सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कैंट थाना क्षेत्र के बीपीओ के साथ थाने पर बैठक की, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने बताया कि डीआईजी व एसएसपी द्वारा निर्देशित किया गया है कि बीट पुलिस कर्मियों के कार्यों की समीक्षा की जाए। जो बीपीओ है वह क्या कार्य कर रहे हैं, उनका थाना क्षेत्र में परफॉर्मेंस कैसा है, जिसकी समीक्षा की जाए, जिसको देखते हुए थाना कैंट के बीपीओ की समीक्षा की गई, जिसमें कुल 11 बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है कि उनके द्वारा कितने प्रार्थना पत्रों की जांच की गई व कितने विवादों को चिन्हित किया गया, इसके अलावा कितने विवादों का निस्तारण किया गया, कितने 151 में गिरफ्तारी की गई, जिस पर चर्चा की गई है। इस अवसर पर कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय सहित बीपीओ मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्यामदेव बिंद ने कहा, सिपाही की समीक्षा कोई करता नहीं है, वो सारे सिपाही काम कर रहे हैं, ठीक है, काम बीपीओ कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग देख नहीं पाते व्यक्तिगत तौर पे कि कौन कर रहा है। कुछ तो बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं सही। तो बिहारी सरकार का निर्देश है कि जिम्मेदारी और उनकी भी समीक्षा की जाए, जो बढ़िया काम कर रहे हैं बीपीओ उनको पुरस्कृत कराया जाए, जो खराब कर रहे हैं तो फाइन भेजा जाए या पनिशमेंट दिया जाए। मैं आया हूँ, ये बेसिकली अप्रैल महीने की है, अब हर महीने ही होगी, अभी तो अप्रैल महीने की होगी, फिर मई महीने की भी होगी, इसलिए मई में आज 11 तारीख हो गई, इसका परफॉर्मेंस सही ना मई महीने का कम से कम आप लोग सही कर लें। अभी मैं एक एक का देखता हूँ, तो जैसे ये मेरे पास जो है वीरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार, आप हैं, ये आपने दिया है कि 20 प्रार्थना पत्रों का निपटारा आपके द्वारा किया गया है, ये अप्रैल महीने का है, ज़्यादा किया है लेकिन समस्या का निस्तारण होना चाहिए, मतलब 20 निस्तारण हो गया होगा और सब संतुष्ट हो जाएगा। और अपने मन में कर रही हैं कि सूचना की तरह है, ये सूचना तो मिल है, हाँ नहीं तो 1700 डायरेक्ट कर रहे ना, डीआईजी सर द्वारा और एसएसपी सर द्वारा निर्देशित किया गया है कि बीट कर्मचारियों के कार्यों की भी समीक्षा की जाए, जो बीपीओ हैं ये क्या काम कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनकी समीक्षा की जाए, जिसके क्रम में आज मैं थाना कैंट पर बीपीओ की समीक्षा कर रहा हूं, जिसमें कुल 11 बिंदुओं पर डीआईजी सर का निर्देश है, कप्तान सर का निर्देश है, 11 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनमें उनके द्वारा कितने प्रार्थना पत्रों की जांच की गई, कितने विवादों का चिन्हांकन किया गया, कितने विवादों का निस्तारण किया गया, कितनी 151 में गिरफ्तारियाँ की गई, कितने फर्द अबाकिता की गई, ये बहुत सारे 11 बिंदु निर्धारित हैं जिस पर आज मेरे द्वारा समीक्षा की जा रही है।